दीपिका बोल रही हूँ मंगल बोलू इतना मजेदार सीन है ना चलो मंगल बोल के बुरा लगा है मंगल को अजीत जी को तो और ड्रंक हालत में वो आए घर पे, इतना सताया ना अजीत जी ने मंगल को, इतना सताया मतलब बेचारी फरीदा गाजियाबाद से पैदल आई अपने घर, अब घर का है वो मुझे पता नहीं है मगर पैदल आई है बच्चों से मिलने के लिए और अजीत जी ने जो है बिल्कुल भी नहीं एज अ मतलब 15 साल मैं उनके साथ रही हूँ और ऐसे छोड़कर आ गए तो अम्मा तो ऐसे करने वाली थी, अम्मा को पता लगता तो अम्मा की वजह से ही तो मैं इस घर में हूँ। अदिति तो कब का निकाल फेंकते हैं मुझे, मगर कहीं ना कहीं अम्मा का साथ है और बहुत ही खूबसूरत साथ है अम्मा का, और अम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मंगल को जो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मंगल के लिए। और मंगल अम्मा ने इतना सपोर्ट दिखाया मंगल को कि मंगल का भी ये मानना है कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर जाऊँगी बिकॉज अम्मा ने मुझे इस वक्त पर इतना सपोर्ट किया, जहाँ खुद मंगल को एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसकी सासू माँ उसका स्टैंड लेंगी ना कि अपने बेटे की तरफ होंगी। तो एक मंगल के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और एक शॉकिंग चीज़ है जो भी उसकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, और अम्मा इस मुश्किल घड़ी में मंगल के साथ खड़ी है, तो इससे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड, इससे बढ़िया कोई सारथी, कोई बढ़िया साथी हो नहीं सकता। तो मंगल इज़ वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ सास लाइक कुसुम जी एंड आदित्य जी, तो कहने ही क्या, उनकी वजह से हमारा शो चल रहा है मजा आता है। वो आदित्य डांटते हैं मंगल को तो जो है बहुत जो कहीं ना कहीं एक सिंपथी मिलती है मंगल को, और हाँ अच्छा लग रहा है शो। आदित्य और मंगल की केमिस्ट्री सबको बहुत पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, मतलब लास्ट में मुझे बुलाया गया, मैंने रीले वीले बना ली, आप लोगों से बातें बातें कर ली मैंने, उसके बाद सर ने मुझे बोला आपका एक शॉट लगा है, जस्ट वी पैन टू यू, शिफ्ट कैमरा शिफ्ट टू लाइक मंगल, और बहुत ही 2 मिनट का मेरी परफॉर्मेंस थी उसके अंदर, तो मेरे लिए तो मजे ही मजे है भाई। आदित्य जी को खूब डांट पड़ी, कुसुम जी उनका काफी भारी भरकम सीन गया, 2-2.5 घंटे लगे उसमें, 1.5 घंटा लगा और मुझे 1.5 घंटा रेस्ट मिला, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, ऐसे सीन और आने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मंगल लक्ष्मी, सीरियसली आई एम सो सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द ऑडियंस एंड टू द गॉड, टू द अलमाइटी, कि करियर के पड़ाव पे इस पड़ाव पे मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई शो करूँगी और स्पेशली इतना डिफरेंट कैरेक्टर करूँगी, जो अब तक मैंने कैरेक्टर्स किए उससे बहुत डिफरेंट है मंगल, मेरी सोच से भी डिफरेंट है, तो मैं इसको बखूबी निभा पाऊंगी और आपका साथ मुझे मिलेगा, मगर ये मेरे लिए एक मैजिकल थिंग है बिकॉज मंगल का कैरेक्टर ऑनेस्टली मेरे लिए एस डी पी का बहुत टफ था, जब मुझे सुनने में आया मेरे लिए सिर्फ एक ही ये चाहती कि मैं इसको सही से निभा जाऊं और किसी तरह से आपके दिल में जगह बना पाऊं, और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको मैं मंगल के रूप में आपने मुझे स्वीकारा है, आप मुझे पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए एस डी पी का बहुत 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 बड़ी चीज़ है और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस कैरेक्टर पे, सभी लोग कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है, बस हमारी मेहनत को इसी तरह सराहते रहिए और मंगल लक्ष्मी देखते रहिए, कलर्स टीवी पर, जियो सिनेमा पे भी अवेलेबल है। थैंक यू।